अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में पड़ी हुई किसी भी पुरानी या फिर खराब हुई हुई जेंट्स शर्ट्स को चेंज करके एक स्मॉल बेबी बॉय शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शर्ट ले ली है मैंने और ये बड़ी जेंट्स शर्ट है और ये मेरी थोड़ी सी डिफॉल्टेड थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कहाँ से खराब हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल न्यू थी। कॉलर इसकी खराब हुई हुई है और स्लीव से इस तरीके से थोड़ी सी ये फट गई है। इसको मैं इस साइज में कन्वर्ट करूंगी स्मॉल बेबी बॉय शर्ट में। तकरीबन 3 से 3.5 साल की बच्चे की शर्ट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैं चेंज करूंगी। तो किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने इस शर्ट को अच्छे से आयरन करना है, उसके बाद इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है शर्ट को, और आगे के सारे बटन आपने बंद करके फिर उल्टा करना है और बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, और सीधी साइड को इस तरीके से मिड में रखते हुए और बिल्कुल इस तरीके से साइड्स इसकी जो हैं उनको इक्वल कर लेना है। बहुत अच्छे से आपने सेट करना है, कोई भी इसके अंदर झोल या फिर कोई भी सरवट ना आए। यहाँ पे देखें पीछे से अच्छे से स्ट्रेट करते हुए और फ्रंट साइड को इस तरीके से, फ्रंट साइड की जो मिडल पट्टी है उसको बिल्कुल मिड में रखते हुए इस तरीके से हमने सेट कर लेना है इसको। ये हमने सेट कर ली है इस तरीके से। आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है, उसके बाद नाप वाली शर्ट को भी इस तरीके से आपने कर लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, नीचे से बिल्कुल इक्वल करते हुए फिर आपने रखना है, क्योंकि नीचे से हम डबल फोल्डिंग दोबारा नहीं करेंगे। इस शर्ट की जो हुई भी होगी वो ही करेंगे, हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना नीचे से। बिल्कुल नीचे से इक्वल करते हुए साइडों में निशान लगा लेंगे। साइड से आपने फ्यूजिंग जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है, आर्म होल से यहाँ पे निशान लगाना है, ऊपर से भी थोड़ा सा 1 इंच के जितना आगे की तरफ बढ़ाते हुए सिलाई में आने जितना, ऊपर शोल्डर में सिलाई के आने जितना हमने आगे बढ़ाना है, अदरवाइज हमने आगे नहीं बढ़ाना, एक्स्ट्रा और नहीं रखना। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, ऊपर हमने शोल्डर का लगाया था और नीचे आर्म होल का लगाया था, और इस तरीके से हम लोग 1 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ पे और गुलाई भी दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। लूजिंग में हमने सिर्फ जितना सिलाई में आना था उतना एक्स्ट्रा रखा है, अदरवाइज मिडल पट्टी के लिए हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा, वो जो बनी हुई है वो उसी को हम यूज करेंगे। यहां से स्ट्रेट कट कर लेंगे इसको, शोल्डर की हल्की सी तिरछी शेप दे देंगे। ये देखें अब इसकी हम जो फ्रंट साइड है, जो फ्रंट साइड है जहां पे मिडल पट्टी बनी हुई है वो ले लेंगे और बैक साइड को साइड पे रख देंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह करते हुए। तकरीबन 3 से 3.5 साल के बच्चे की मेजरमेंट गले की मैं बताऊंगी यहां पे आपको। ऊपर से हम फ्रंट नेक की जो चौड़ाई लेंगे वो तकरीबन 2.5 इंच लेंगे और तकरीबन 2.5 इंच ही आप इसकी गहराई भी लेंगे। हमने बाद में थोड़ा सा और ट्रिम करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी पहले फिलहाल 2 से 2.5 इंच ही इसकी गहराई लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रिम करेंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा। जब ट्रिम करने के बाद हमारी इसकी गहराई जो बन जाएगी वो तकरीबन 3 इंच बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे पॉकेट इसकी जुड़ी हुई रह गई है, तो इसको हम लोग खोल लेंगे इसकी सिलाई को और इसके जो पॉकेट का कपड़ा है इसको उतार लेंगे। स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमने स्लीव्स ही ले लिए हैं, उनको भी उल्टा तह किया हुआ है और इस तरीके से ऊपर नीचे रख लेंगे। उसके बाद नाप वाले स्लीव्स ले लेने हैं, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। आगे से डबल फोल्डिंग के लिए आपने 2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है और साइड से सिलाई के लिए, और यहां पर निशान लगाना है ऊपर शोल्डर पे और यहां से इस तरीके से शेप दे देनी है सिंपली, और इसको कट करके निकाल लेना है।
मेरा ये स्लीव्स जो हैं इसके थोड़े से साइड से फटे हुए थे, तो इसलिए मैंने इसके हाफ स्लीव्स बनाए हैं। नीचे की साइड पे इसकी इस शर्ट के स्लीव्स फटा हुआ था। अगर आपके स्लीव्स बिल्कुल सही हैं तो आप पूरे स्लीव्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉकेट ऊपर से खोल के उतार दी है। उसके बाद हमने अब स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। बैक साइड भी ले लेंगे, दोनों की सीधी साइड को आपस में जोड़ना है, फ्रंट को और बैक को, और इस तरीके से ऊपर से शोल्डर की सिंपली जिस तरीके से हमारी शेप है शोल्डर की, उस तरीके से हमने स्ट्रेट सिलाई लगा दी। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से करना है और स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेना है। स्लीव्स की सीधी साइड शर्ट की सीधी साइड को जोड़ते हुए इस तरीके से लगानी है स्लीव्स। यहाँ पे देखिए हमने लगा ली हैं दोनों स्लीव्स। अब जो आगे से डबल फोल्डिंग करनी है उसको सीधी साइड पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए फिर एक पैर जितनी सिलाई लगानी है दोनों तरफ। यहाँ देखें दोनों तरफ लगा ली है। उसके बाद इसको कर लेना है उल्टा और यहाँ पे हमने शेप की सिलाई लगानी है। सिंपली जितने आपको स्लीव्स लूज रखने हैं उतने रखते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। सिंपल स्ट्रेट सिलाई लगाई हैं इसलिए मैंने नहीं दिखाई है। पहले बहुत सारी शर्ट्स की स्टिचिंग में मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए अब इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसका ऊपर से शेरवानी कॉलर हमने लगानी है और वो किस तरीके से बनानी है वो भी यहाँ पे बता दूंगी। उससे पहले हम लोग इस तरीके से इसको हल्का सा ट्रिम कर लेंगे ताकि बैक साइड पे जितना भी डिफरेंस आया है वो ट्रिम करके उसको इक्वल कर देंगे। अब हमने शेरवानी कॉलर लगानी है और उसके बाद हमने नीचे की साइड पे हमने बिल्कुल भी डबल फोल्डिंग नहीं की है। जो ओरिजिनल शर्ट की डबल फोल्डिंग थी जो शेप थी वही हमने रहने दी है। उसके बाद हमने मैयर कर लेना है ऊपर से नेक, और उसके बाद नेक मैयरमेंट करने के बाद हम लोग बुकरम पे शेरवानी कॉलर कट करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से एक पट्टी से स्टार्ट करना है, हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हुए कपड़े को नहीं मैयर करते, इस तरीके से बिल्कुल इक्वल रखते हुए इसके साथ। ये तकरीबन 15 इंच तक है हमारा ये ऊपर से मेजरमेंट जो इसकी है, तो बुकरम को इस तरीके से कर लेंगे फोल्ड। यहां से यहां तक की 15 इंच का हाफ ले लेंगे। 15 इंच का हाफ तकरीबन 7.5 इंच होता है, तो हम 7 इंच रखेंगे यहाँ पे और 2.5 इंच का इस तरीके से लंबाई का निशान लगाएंगे और इस तरीके से घुलाई देंगे। थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों ने ये अरेब में कट करना होता है तो थोड़ा सा हम लोग कम ही मेजरमेंट रखते हैं इसकी, ताकि अरेब में कटिंग होने के बाद ये बैंड जो है वो बड़ा हो जाता है। अब तकरीबन 1.25 इंच जितनी हम लोग यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेते हुए इसको गुलाई देंगे इस तरीके से इसके बिल्कुल साथ साथ। आप 1 इंच का बैंड रखना चाहते हैं 1 इंच का भी रख सकते हैं। मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। शेरवानी कॉलर की एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर इस वीडियो में जरा भी कंफ्यूजन हो तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब ये जो बाहर वाली रेब वाली साइड होती है ये हमेशा हमारी अटैच होती है शर्ट के साथ, और वहां से हम लोग इस तरीके से पहले मैयर कर लेंगे कि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट इसकी मैयरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा है तो यहीं पर हम इसको ट्रिम कर लेंगे। क्योंकि अरेब आने के बाद हमेशा ये बैंड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग पहले बुकरम के साथ इस बैंड को मैयर करते हैं शर्ट के साथ इस तरीके से। यहाँ पे देखें इतना बड़ा है तो निशान लगा लेंगे और इसको इतने को एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब इसको करेंगे इस तरीके से डबल, और अंदर की जो अरेब वाली साइड है उसकी साइड पे, ये जो अंदर की अरेब वाली साइड होती है इस साइड पे हम लोग हल्की सी कॉर्नर से गुलाई देंगे। अगर गुलाई वाला नहीं बैंड बनाना चाहते तो आप इस तरीके से चकोर भी बना सकते हैं, हल्की सी मैं गुलाई दूंगी। ये देखें इस तरीके से। चलिए इसको आप कपड़े पे पेस्ट कर लेते हैं। कपड़ा भी हमने शर्ट के अंदर से निकालना है, और मैं यहां से जो हमारा पीछे तीरा था इसके ऊपर ही पेस्ट करना चाहती थी, लेकिन तीरे के अंदर वाले साइड पे टैग लगा हुआ था तो दोनों कपड़े को यूज नहीं कर सकती थी दोनों साइड्स को, इसलिए मैंने नीचे वाली साइड से यहाँ पे, अगर तो आपका टैग ना लगा हो तो आप इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बुकरम के लिए डबल कपड़ा चाहिए होता है इसलिए। तो
मैं अब सिंगल जो है यहां से लूंगी और एक जो है मैं तीरे से लूंगी, एक पार्ट उसका यहां पे देखें, एक साइड ऊपर तीरे से उतारूंगी और एक साइड जो मेरी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बची है, ये देखिए इस तरफ टैग था तो इसको मैंने यूज नहीं किया, इसको अलग अलग कर लेंगे। तीरे का जो ऊपर वाली लेयर है अब उसको उतार लूंगी। अब इसकी सीधी साइड को, नीचे वाला जो कपड़ा था हमारा उसकी सीधी साइड को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से इस डबल कपड़े के ऊपर हम लोग रख के इस तरीके से बुकरम को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बुकरम को कर लिया है पेस्ट, अब इसको कट कर देंगे साइड से। अब ये डबल कपड़े को हमने कट किया था, उसकी एक लेयर को हम लोग इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, उसकी एक लेयर को इस तरीके से उठाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से इस वाले को फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखें एक पैर की सिलाई मैंने लगा ली है ऊपर इसके ऊपर, अब इसके ऊपर फिर दूसरी लेयर के ऊपर इसको रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से बुकरम की शेप में, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हम इसके अंदर से एक पैर जितना कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाई, डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं शेरवानी कॉलर की, किस तरीके से आप बेबी बॉय की शर्ट पे लगा सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके अगर कंफ्यूजन हो तो। अदरवाइज मैंने इस वीडियो में भी आपको डिटेल में बता दिया है। अब पीछे की साइड पे भी उतना कपड़ा ट्रिम कर लेंगे जितना आपको सिलाई में देना है, कॉलर के साथ जो शर्ट के साथ अटैच करते हुए सिर्फ उतना बचाएंगे और बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके इक्वल कर लेंगे। चलिए अब इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें बुकरम को और तो बीच में कोई झोल ना आए। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। अब इस सिलाई को बिल्कुल दरमियान में रखते हुए आयरन के साथ इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें इसको सेट कर लिया है। अब हमने इसको अटैच करना है शर्ट के साथ, किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एक कॉर्नर से इस तरीके से स्टार्ट करना है, ये वाली साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए बुकरम की, और इस तरीके से एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है एक कॉर्नर से, और दूसरे पट्टी के कॉर्नर तक इसको लगा लेना है। यहाँ पे देखें ये सिलाई लगा ली है, जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना कपड़ा अंदर देते हुए दूसरे कॉर्नर तक। अब इस बुकरम को, इस सिलाई को अंदर देते हुए इस तरीके से बिल्कुल बैंड के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे, ताकि ये सिलाई बिल्कुल अंदर छुप जाए। यहाँ पे देखें लगा चुकी हूँ मैं ये सिलाई और बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आई है। शर्ट हमारी हो चुकी है रेडी और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कितना परफेक्ट लुक आया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि, यहाँ पे देखें मैंने ऊपर बिल्कुल शेरवानी कॉलर पे एक बटन भी लगा दिया है ताकि वो भी मैच हो जाए उसके साथ। ओवरऑल ये शर्ट बहुत ही जबरदस्त बनी थी। इस तरीके से आप अपने घर में पड़ी हुई किसी भी पुरानी शर्ट को या फिर कोई भी अगर खराब हो गई है उसको यूज करके आप अपने एक छोटी बेबी बॉय शर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखिए लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।